वैसे तो इस धरती पे अनेक प्रकार के धातु पाए जाते हैं। अब धातु मतलब धातु लेकिन दो धातु बड़े कमाल के होते हैं। पहला होता है आलस, दूसरा होता है जुगाड़। और यहाँ पे जो दोनों धातुओं को मिला के चीज बनती है वो है यहाँ पे मेरे हाथ में, और इसको हम करेंगे अनबॉक्स, लेंगे इसका रिव्यू और इसको सेटअप करके देखते हैं कैसे काम करता है। तो लेट्स गो। सर, ये है हमारे पास सिस्का का स्मार्ट प्लग। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें बॉक्सिंग की, तो ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है, बेसिक सी डिटेल्स है सिस्का लाइट हेड। यहाँ पे जो भी इसके फीचर्स हैं वो सारे लिखे हुए हैं कि कैसे आपको यूज कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो, वॉइस कमांड सपोर्ट करता है, ये सारी चीजें है। यहाँ पे इसका जो होम पेज और प्रोडक्ट का जो फोटो है वो यहाँ पे दिखाया गया है। अलेक्सा के साथ काम करता है, गूगल असिस्टेंट के साथ काम करता है। और यहाँ पे बेसिक सा सेटअप है कि इसको आप कैसे सेटअप कर सकते हो, तो ये जो सिंपल से प्रोसेस है वो सारे जो हम करके देखेंगे अभी। और यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल्स है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मेड इन चाइना इन ऑल 2599 इसका MRP है। iOS और एंड्रॉइड दोनों सपोर्ट करता है। और उसके साथ यहाँ पे जो इसकी डिटेल्स है वो सारी है। 10 एम्पियर का प्लग है ये, 10 एम्पियर मतलब कि आपको जो बेसिक गैजेट होते हैं वहाँ पे काम में ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इस गैजेट को आप AC वगैरह के लिए या हैवी प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करोगे, AC हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, हीटर हो गया या फिर आपका फ्रिज हो गया, तो वहाँ पे आपको 16 एम्पियर का प्लग लेना पड़ेगा। बॉक्स में सिंपल आपको एक आपका स्मार्ट प्लग यहाँ पे आ जाता है। और उसके साथ अगर हम फर्दर बॉक्स को खोलें तो और कुछ नहीं है, यहाँ पे आपका मैनुअल ये आ जाता है जहाँ पे आपको सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी हुई है कि कैसे इसको काम में लेना है। और ये आ गया हमारे पास स्मार्ट प्लग। दिखने में काफी क्वालिटी अच्छी है इसकी, जो इसकी प्लास्टिक क्वालिटी है वो भी काफी बेटर है। यहाँ पे बात करें फ्रंट में तो शॉक प्रूफ है, मतलब बच्चे बच्चे अपनी उंगली नहीं डाल सकते यहाँ पे। जब भी आप प्लग करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो लॉक है वो ओपन हो जाएंगे, तो सेफ्टी पर्पज से भी अच्छा है। यहाँ पे आपका पावर प्लग मिल जाता है जहाँ से आप इसको ऑपरेट करोगे, वन टाइम सेटअप होता है ये करने का, बाकी तो फिर आप फोन से ही ऑपरेट करते हो। जो इसकी पिंस है उनकी भी क्वालिटी काफी स्टड है, और मतलब स्टील क्वालिटी यूज हुई है यहाँ पे। ये सारी चीजें तो कर लेते हैं हम इसको सेटअप। डेमो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे इसका, तो ज्यादा तामझाम नहीं करूंगा मैं, आपको क्विकली करके दिखाता हूँ कि सेटअप कैसे करना है। तो ये हमारे पास एक्सटेंशन बोर्ड है, सिंपली हम इस प्लग को यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर। तो यहाँ पे लाइट ब्लिंक हो रही है, मतलब ये यहाँ पे कनेक्टेड है, आप देख सकते हो उसको। और ब्लिंक मतलब ये है कि अभी किसी वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है, इलेक्ट्रिक पावर आ चुकी है लेकिन वाईफाई से हमें इसको कॉन्फ़िगर करना होगा। तो फर्स्ट प्रोसेस ये है कि इसको हमने यहाँ पे लगा दिया। सेकंड प्रोसेस ये है कि हम अपने स्मार्टफोन में जाएंगे। तो ये मैं आ गया स्मार्टफोन में। यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है सिस्का स्मार्ट होम। एप्लीकेशन को कर लेते हैं ओपन हम, और ये एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है आपको। तो ये हम यहाँ पे सिस्का का अकाउंट बना चुके हैं। अब हमें जो अगला प्रोसेस करना है वो है ऐड डिवाइस। तो मेक श्योर कि आपके घर में एक वाईफाई होना चाहिए, बिकॉज ये सारा काम वाईफाई पे होता है, क्लाउड बेसिस पे होता है। तो आपके जो भी डिवाइस है, मतलब ये मास्टर हो गया, वो स्लेव हो गया, तो दोनों वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि आपको हर टाइम सेम वाईफाई पे कनेक्ट होना, लेकिन जब आपको कन्फिगर करना है फर्स्ट टाइम आपको सेम वाईफाई पे होना जरूरी है। उसके बाद आप इसको रिमोटली वर्ल्ड में कहीं से भी कैसे भी कंट्रोल कर सकते हो। जब हम डिवाइस को कर लेते हैं कॉन्फ़िगर, तो यहाँ पे आपको जो ये बटन है इसको दबा के रखना है 5 सेकंड तक, और 5 सेकंड के बाद ये ऐसे ब्लिंक करने लगता है। फिर हम जाएंगे ऐड डिवाइस पे, यहाँ पे हम जाएंगे सॉकेट में जो वाईफाई इनेबल्ड है, और यहाँ पे ये पूछता है कि आपका ब्लिंक कर रहा है डिवाइस की नहीं। तो यहाँ पे देखो मेरे फोन में भी यहाँ ब्लिंक हो रहा है, और यही चीज हमें कंफर्म करना है कि हमारा डिवाइस भी ब्लिंक कर रहा है, तो उसे हम कर लेते हैं कंफर्म। और फिर ये वाईफाई का पासवर्ड मांगता है, तो वाईफाई का पासवर्ड डाल देते हैं। सो मोबाइल के स्क्रीन पे देखोगे आप वाईफाई सॉकेट यहाँ पे लिखा हुआ आ गया ऊपर, मतलब कि ये हो गया है कनेक्ट, और ये हमारा वाईफाई सॉकेट यहाँ पे फोन से हो चुका है कनेक्ट। तो अब हम इसको ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा रहा है सॉकेट इज ऑन, इसको हम ऑफ करते हैं। सॉकेट ऑफ हो गया, वहाँ पे देखो आप ब्लू लाइट बंद हो गई, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया। अब हम यहाँ पे कुछ डिवाइस लगा के चेक कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर कोई भी डिवाइस लगाओगे उसको ये स्मार्ट बना देगा। तो मैं यहाँ पे ये लाइट लगा देता हूँ टेस्टिंग पर्पज से, और यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा कर लिया थीम बनाने के लिए। तो फिर हम करते हैं इसको ऑफ, और ये लाइट हो गई ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन, ऑफ। रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल लो नहीं है, फास्ट काम करता है विद इन सेकेंड, मतलब आई थिंक काउंटेबल भी नहीं है वो। और यहाँ पे आप टाइमर वगैरह सेट कर सकते हो कितने टाइम में ये बंद चालू करना है आपको इसको। तो अब हम जाते हैं होम स्क्रीन पे, तो ये यहाँ पे वाईफाई सॉकेट हमेशा दिखता रहेगा, आपको इसको क्लिक करना है और आपकी स्विच को ऑपरेट करना है, दैट्स इट। तो ये था सिस्का का स्मार्ट प्लग। मतलब वैसे आपने इसका नाम ना इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा सुना होगा, इलेक्ट्रिक सेगमेंट में काफ़ी कम नाम है, लेकिन फिर भी अब सिस्का भी ट्राई कर रहा धीरे धीरे ऐसे प्रोडक्ट्स लाने का, और ये भी एक कमाल का प्रोडक्ट था। मैंने पहले भी एक अनबॉक्सिंग करी थी, वो विप्रो का प्रोडक्ट था, ये सिस्का का है। और तो चीज़ कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट राइट नाउ, और वीडियो शेयर कर देना। और बस आपका प्यार ऐसे बना रहे, आगे मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।